सो हेलो एवरीवन गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी 10 स्टैंडर्ड के साइंस 1 जो भी पार्ट है साइंस 1 उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरा वीडियो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे के पूरे लेजिट क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप इन क्वेश्चंस के मदद से पूरे के पूरे फोड़ सकते हो। अभी इसमें क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ टॉपिक्स आपको टिक करके देने वाला हूँ, वो सभी के सभी टॉपिक्स आप फटाफट ग्रेविटेशन चैप्टर सभी टॉपिक्स के हम आराम आराम से देखेंगे और फटाफट मैं जहाँ पे टिक कर रहा हूँ वहाँ पे टिक कर लेना है। पहला पेज आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको डायरेक्टली आना है केपलर्स के लॉ पे और केपलर्स के लॉ के पूरे के पूरे जो तीन के तीन लॉज है वो तीनों के तीनों लॉज आपको जो है सबसे पहले टिक करने हैं, ठीक है, याद रखना है। सीधा सीधा केपलर्स लॉ पे आना है और वो तीनों के तीनों लॉज आपको टिक करने हैं, बाकी का सभी चीज़ें छोड़ देना है और सीधा फिर आना है अपने विच इज़ सॉल्ड एग्जाम्पल्स जो फर्स्ट सॉल्ड एग्जाम्पल है वो फर्स्ट सॉल्ड एग्जाम्पल पे आपको आना है, उसको टिक कर लेना है और फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पे आना है पेज नंबर, यहाँ पे सेवन्थ पेज नंबर है, पेज नंबर 7 पे आपको दूसरा जो है सम उस सिम को भी टिक करके रखना है, ठीक है। एग्जाम से पहले बस इसको पढ़ के जाना है, सॉल्ड एग्जाम्पल है। फिर डायरेक्टली आपको पेज नंबर 8 पे आना है, पेज नंबर 8 पे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी जो भी चेंज होता है, अर्थ का कैसे चेंज होता है, चेंज विद द हाइट कैसे होता है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे कैसे है, हाइट के साथ कैसे है और साथ ही डेप्थ में भी होगा, डेप्थ के साथ कैसे है, ये चीज़ें आपको कर लेना है। उसके बाद मास और वेट का जो भी होगा स्टूडेंट्स ये आपको डिफरेंशिएशन बिटवीन में पूछा जाएगा मास और वेट, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर हो गया पहला लेसन, बस इतना ही है पहले लेसन में, बस इतना ही और आपको बस डायरेक्टली आना है फिर एस्केप वेलोसिटी को भी टिक कर देना है। एस्केप वेलोसिटी के बारे में आप जो भी नवनीत के डाइजेस्ट है वो नवनीत के डाइजेस्ट में से पढ़ के या फिर आपने जो भी अपेक्षित वगैरह लिया है उसमें जो भी आंसर होगा वो आंसर अच्छे से इसके बेसिस पे जो भी आंसर्स होंगे वो टिक करके और उसको आराम से लर्न करके चले जाना है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये टिक करके रखो, थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये आराम से एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब आएगा कंपलसरी आने वाला है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। साइंस वन का पेपर हुआ और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखा तो भाई मेरे को बोलना है कि भैया ये क्वेश्चन तो नहीं आया था आपने बोला है, लेकिन याद रखना है स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ में से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और आपके एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया होगा, ठीक है, तो ये कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डायरेक्टली मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आना है। वैसे ये जो आपके जो भी छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ने जो भी स्टेटमेंट दिया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट्स के सभी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर एटम में, तो इसका आप डेफिनेशन कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत हैंडसम है भाई, डिमित्री मेंडेलीव पेपर में आने वाला है तेरा, ठीक है। इस बार स्टूडेंट्स पेपर में मेरिट तो नहीं आएगा लेकिन कंपलसरी डीमेरिट आने वाला है, लेकिन टिक करके रख दो। मेरिट पहला मेरिट क्या था कि बेरिलियम का पहले जो वजन था वो था 14.09 लेकिन बाद में वो वैल्यू चेंज करके 9.4 रख दिया और बेरिलियम को बोरॉन के आगे रख दिया। फिर दूसरा था कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में तीन वैकेंट प्लेसेस थे तो तीन वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे मेंडेलियव ने और बोला था कि भाई फ्यूचर बेसिस पे वो मिलेंगे, जैसे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, जो कि बाद में सही में जाके मिले विच इज़ स्कैंडिनियम, गैलिनियम और जर्मेनियम, ये तीनों के तीनों। फिर उसके बाद थर्ड जो मेरिट था वो था कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ने जो नोबल गैसेस पहले नहीं मिले थे लेकिन जब बाद में नोबल गैसेस मिले जैसे कि अर्गॉन, नियॉन और हेलियम, ये जो नोबल गैसेस बाद में मिले तो वो उन्होंने क्या किया कि भाई एक अलग सा कॉलम बना दिया और एक अलग से कॉलम को जीरो ग्रुप नाम दे दिया और फिर बाद में ये कर दिया, ठीक है, मतलब कि मेरिट हो गया। फिर उसका डी मेरिट भी आपको करके जाना, इस बार एग्जामिनेशन में कंपलसरी डी मेरिट आएगा, मतलब आएगा डी मेरिट। पहला क्या था कि कोबाल्ट और निकल का जो भी एटॉमिक मास था वो सेम था 59, फिर बाद में आइसोटोप्स मतलब कि जिनके एटॉमिक मासेस ये डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, तो जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों भी है तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर उसके बाद हैवी एलिमेंट्स मतलब कि यूरेनियम, थोरियम जैसे जो भी हैवी एलिमेंट्स हैं उनके मास, उनका वजन वगैरह हमेशा चेंज होते रहता है, वो सभी चीज़ें। और लास्ट वाला था
पोजिशन विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये सिमिलर प्रॉपर्टीज बता रहा था हेलोजन का, क्योंकि हेलोजन था हेलोजन का H2, ये जनरल फार्मूला है हेलोजन का, उसी प्रकार से H2, तो ये उनको लग रहा था कि ये 7th ग्रुप में आता है। आप बोलोगे भैया हेलोजन तो 17 ग्रुप में आता है, अरे नमूनों वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आता है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में हेलोजन 7th ग्रुप में आता था, ठीक है, याद रखना है, तो ये टिक कर लेना है। फिर उसके बाद सीधा सीधा आना है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, तो स्ट्रक्चर बताना है कि भाई कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट ये सभी चीज़ें छोड़ देना है, सीधा सीधा आना है आपको विच इज़ पीरियोडिक ट्रेंड्स भी छोड़ देना है, एटॉमिक साइज एटॉमिक मास भी छोड़ देना है। फिर उसके बाद मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, जो कैटायन बनता है उसको बोलते हैं अपन मेटल्स या फिर मेटेलिक कैरेक्टर उसको अपन कहते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर को भी आपको टिक कर लेना है। मेटेलिक कैरेक्टर को टिक करने के बाद हो गया है आपका लेसन और गिव साइंटिफिक रीज़न में। वैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी स्टूडेंट्स, ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 282 आ जाएगा, कभी कभी 283 आ जाएगा, कभी 281 आ जाएगा, तो याद रखना है 281 आया तो सोडियम होगा, फिर उसके बाद 282 आया तो विच इज़ अपना मैग्नीशियम हो जाएगा, 283 आया तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर कुछ में नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 इसको याद करके जाओ, ये डायरेक्टली 4-4 मार्क्स 5-5 मार्क के लिए नेम द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 ये करके जाना है, और गिव साइंटिफिक रीज़न का सी वाला करके जाना है और ई वाला करके जाना है, ये दोनों करके जाने हैं, टिक करके रखो, ठीक है, कर लिया, ओके। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे सीधा सीधा डायरेक्टली आना है आपको, ये सभी चीज़ें छोड़ देना है, ठीक है, डायरेक्टली आना है आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में पेज नंबर बता देता हूँ आपको मैं, पेज नंबर 34 में ये वाला तो आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, पेज नंबर 34 बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में, विच इज़ NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O, तो इसको बैलेंस करना है, जाहिर सी बात है यहाँ पे सोडियम तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे भाई सोडियम एक है लेकिन प्रोडक्ट में सोडियम 2 दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दो मुझे चैट सेक्शन में, बहुत आराम से बता दूंगा तुमको। फिर इसका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो भैया ने तुमको सब सिखाए हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर नहीं समझ रहा है तो फॉर्मूला याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जब ए, अरे हाँ वैसे मैं पूरा की पूरा वन शॉट वीडियो डाल दूंगा, तो जब 2 दिन के अंदर वन शॉट वीडियो पूरा की पूरा केमिकल रिएक्शंस पे आने वाला है, तो उसकी लिंक मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो या फिर आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है, तो पूरे के पूरे हो जाएंगे, तो पूरे के पूरे रिएक्शंस करके जाना है, मैंने एकदम डिटेल में सिखा दूंगा मैं, 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। और हाँ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39 भाई ये तो गारंटीड क्वेश्चन है, पेज नंबर 39 पे सीधा सीधा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये 100% गारंटी है, ये सभी के सभी आएंगे। पहला होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दूसरा होता है साइज ऑफ पार्टिकल, जितना साइज छोटा उतना जल्दी रिएक्शन, तीसरा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि 2 प्रकार के एसिड होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में पानी होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फोर्थ वाला है विच इज़ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये सीधा सीधा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, अगर किस्मत अच्छी होगी तो पूरा की पूरा 5 मार्क के लिए आएगा भाई, लाइव जिंगा लाला हो जाएगा तुम्हारा। और लास्ट वाला होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है बस, मतलब कि रिएक्शन जो है ए और बी, ये इन दोनों की रिएक्शन, मतलब ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट में जाने के लिए रिएक्शन जो है वो जल्दी बढ़ाता है, तो अपन निकेल वगैरह पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करना है, इस बार रिडॉक्स रिएक्शन आएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आया भी तो उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन करके रखना है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, उसको कहते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कोरोजन वगैरह मत करो, रेंसिडिटी वगैरह मत करो, कोई काम का नहीं है वो। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आराम से आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है, 2020 में पूछा गया था, और बहुत सारे पेपर्स में आपके प्रीलिम्स में ये पूछा गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 आराम से कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी है व्हाट इज़ द रिएक्शन, यहाँ पे आपको बी वाला करना है और ई वाला करना है, ठीक है, टिक कर लो बी वाला और ई वाला,
और यहाँ पे आपको ये तो मालूम है तुमको सभी को, और साइंटिफिक रीज़न में भाई शाबाद टाइल ये तो हमेशा आता है, और डी वाला ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अर एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल एंड फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। रेंसिडिटी मैंने टिक नहीं करके दिया, तो रेंसिडिटी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो शाबाद टाइल वगैरह आपने कर लिया होगा। अभी सीधा सीधा यहाँ पे रिएक्शन से देखो, मैंने बोला था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आपको जो भी है विच इज़ ये वाला पूरा के पूरा करना है। देखो जाहिर सी बात है जिसमें हीट बाहर निकल रही है वो होगा एक्सो, ठीक है। जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है वो होगा एंडो, तो एक्सो एंडो एक्सो एंडो ऐसा है इसका आंसर। और इसमें से आएगा तो ये वाला आने वाला है, ठीक है। ये तो पहले ही मैंने भैया ने टिक करके दे दिया आपको वहाँ, ठीक है। चलो सो इन दिस वे ये पूरा की पूरा करके जाना है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे भैया इसका बता दो इसका बता दो, ठीक है। सीधा सीधा तुमको आना है डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल पहले टिक कर लो, सॉल्व एग्जांपल पे आना है। सॉल्व एग्जांपल सेकंड वाला आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। सेकंड वाला कर लेना है, फिर उसके बाद ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। इस बार राइट हैंड थंब रूल आएगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कर लो। सोलेनाइड वगैरह कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल नहीं आएगा, राइट हैंड कर लिया। हाँ हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आएगा, फ्लेमिंग का राइट नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड रूल आएगा और राइट हैंड थंब रूल आएगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल अलग है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अलग है, ये दोनों। और इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर ये तो वर्ल्ड फेमस है भाई, ये तो आएंगे, मतलब आएंगे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो ये दोनों तो करके रखना है। इलेक्ट्रिक मोटर और गैल्वेनोमीटर तो कट हो गया है इस साल के लिए। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, राइट हैंड थंब रूल भी नहीं करना है फ्लेमिंग का, उसके बेसिस पे ये वाला है। तो इसके वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको पूरा की पूरा कंस्ट्रक्शन और वगैरह ये सभी चीज़ें आपको करके रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अभी फटाक से, विच इज़ हीट। हीट पे सीधा सीधा आ जाना है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 63 पे। पेज नंबर 63 पे आपको मिलेगा देखो दामो लैटन हीट ऑफ फ्यूजन और लैटन हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों डेफिनेशन। फिर उसका रेगुलेशन नहीं आएगा। एनोमोलस बिहेवियर वो तो आता ही है भाई, आता ही है, तो एनोमोलस बिहेवियर करके रखो, ठीक है, टिक कर लो फटाफट। ड्यू पॉइंट वगैरह छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है। यूनिट ऑफ हीट आएगा, यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट आएगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 67 तक हो गया, और पेज नंबर 68 और 69 का पूरा की पूरा टॉपिक करना है, क्योंकि ये टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसमें बस ये वाला फार्मूला पे ज़्यादा जोर देना है आपको, ठीक है। अरे कहाँ पे गया भाई हीट चैप्टर? हाँ, ये वाला टॉपिक आपको पूरा की पूरा पेज नंबर 68 पे आपको ये वाले टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है, इस वाले टॉपिक्स पे। हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज भी आपको करके रखना है। हीट एक्सचेंज कुछ नहीं होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोलर ऑब्जेक्ट तक जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं होते तब तक हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी, तो उसको बोलते हैं अपन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें के जो भी होंगे सॉल्ड एग्जांपल, थर्ड वाला सॉल्ड एग्जांपल आपको देख के जाना है एग्जामिनेशन में। वैसे न्यूमेरिकल्स आपने स्किप भी किया तो चलेगा, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स का कोई नहीं। फिर सीधा सीधा आपको आना है विच इज़ हाँ इस वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको सी वाला करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th सी और क्वेश्चन नंबर 7th सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th सी, क्वेश्चन नंबर 7th सी, इस प्रकार से करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर तो ऐसे बहुत फिल्लू सा चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको सबसे ज़्यादा वेटेज भी दिया है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सीधा सीधा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों करके रखने हैं। ये देखो यहाँ से भी आप लॉस कर सकते हो वैसे, ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि ये वाले ही लॉस करो। इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट 100% गारंटी है, भैया की गारंटी है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट आएगा, मतलब आएगा कंपलसरी, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह पूरा की पूरा स्किप कर दो, सीधा सीधा डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे आओ। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डायग्राम याद रखो, विकबर कलर याद रखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट आएगा मतलब आएगा, 100% गारंटी है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इस बार एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। चलो फिर पार्शियल प्रेशर वगैरह कुछ नहीं, इसमें का सॉल्ड एग्जांपल फर्स्ट वाला करके रखना है आपको, ठीक है, सॉल्ड एग्जांपल फर्स्ट वाला, ओके, बाकी का तो आपको तो मालूम है सभी चीज़ें। उसके बाद लेंसेज चैप्टर, लेंसेज चैप्टर में प्रिंसिपल फोकस को टिक करके रखो, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे,
फिर उसके बाद इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। तो इमेजेस कौन से फॉर्म्ड होते हैं, कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं, तो ये वाला आपको याद करके रखना है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। फिर सीधा सीधा छोड़ दो और डायरेक्टली इस पे आ जाओ, ये आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा। सेकंड वाले पे टिक करो, फोर्थ वाले पे टिक करो और सिक्स्थ वाले पे टिक करो, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में इमेजेस बनाने के लिए आपको आएंगे बियॉन्ड 2F1, ठीक है, सेकंड फोकस, फिर बियॉन्ड F1, सॉरी बिटवीन F1 एंड 2F1 और बिटवीन F1 और O, मतलब कि अपना ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये वाले करके रखना है। फिर साइन कन्वेंशन कुछ नहीं, यहाँ से भी कर लिया तो आपको हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले नेगेटिव होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कार्टेशियंस साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये टिक कर लिया, इसमें सॉल्ड एग्जांपल आपको फर्स्ट वाला टिक करके रखना है, ठीक है, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला, ओके। फिर डायरेक्टली आपको आना है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, नहीं आने वाला कुछ इस बार, आपको सीधा सीधा आएगा विच इज़ प्रिज बायोस्पिया पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, प्रिज बायोस्पिया करना है और आपको करना है विच इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसके डायग्राम्स वगैरह भी एक बार निकाल के रख दो, ओके। और ऑप्टिकल नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पे आएगा आपको परसिस्टेंस ऑफ अ विजन, तो परसिस्टेंस ऑफ अ विजन भी आपको टिक करके रखना है, ठीक है। मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपके ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। फिर सीधा सीधा ये वाला है मोमोज रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शंस वगैरह मैं वन शॉट वीडियो में बता देने वाला हूँ, तो रिएक्शंस का तो आप टेंशन लो ही मत, ठीक है। तो सभी रिएक्शंस इसमें करने पड़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ इस बार आएगा एग्जामिनेशन में 100%, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब कि कौन सा एलिमेंट ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट ये रिएक्टिव नहीं है, ये सभी चीज़ें रिएक्टिविटी सीरीज़ में पूछे जाते हैं, मतलब कि रहता है, ठीक है। रिएक्शंस वगैरह तो करना है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इस बार ये वाले आएंगे, मतलब आएंगे विच इज़ जनरल कंपाउंड्स या फिर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इसके 5 जनरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, तो ये आप आयोनिक कंपाउंड्स के 5 जनरल प्रॉपर्टीज़ कर लेना है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। साथ ही स्टूडेंट्स वह ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब कि चौक जैसा टूट सकते हैं, और इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। इसमें से जो भी है विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी होगी विच इज़ जाएगी नहीं, ठीक है, याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जाती नहीं है सॉलिड में से। इलेक्ट्रिसिटी कब जाएगी, जब उनको अपन मॉल्टन स्टेट में रखेंगे, ठीक है, ये वाले। उसके बाद इसमें से, हाँ, उसके बाद सेपरेशन मेथड में हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। फिर उसके बाद डायरेक्टली आना है आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, पिछले साल पूछा गया था, पिछले मतलब कि 2020 में, तो इसके वजह से यहाँ पे आएगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो ये दोनों मेथड करके रखना है, और लीचिंग पे शॉर्ट नोट्स आएगा अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो, लेकिन करके रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रखना है, विच इज़ लीचिंग वगैरह आएगा। अभी यार ये तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आता है, मतलब आता है एग्जामिनेशन में, हमेशा पूछा जाता है विच इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइड ओर को कैसे करना है, इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे चैट सेक्शन में बताना है, सभी रिएक्शंस में करके बता दूंगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह एकदम डिटेल में सिखा दूंगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इस बार तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आप करके रख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन में पूछा जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंशन मेथड्स, सो प्रिवेंशन मेथड्स में यहाँ पे आएगा विच इज़ गाल्वनाइजिंग में आएगा आपको प्रिवेंशन मेथड और एनोडाइजेशन, गाल्वनाइजिंग, एनोडाइजेशन और साथ ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहाँ पे गया भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। तो ये तीनों चीज़ें आपको टिक करके रखने हैं। अभी स्टूडेंट्स कार्बन कंपाउंड का तो क्या ही बोलूँ यार, कार्बन कंपाउंड में देखो स्टूडेंट्स बस एक ही चीज़ करना है, ध्यान दे दो, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में बस एक ही चीज़ करना है, देखो IUPAC नेम, ठीक है, सभी जन IUPAC नेम करेंगे। उसके बाद याद रखना है कैटिनेशन पावर क्या होता है, कैटिनेशन पावर, ये दोनों चीज़ें, और रिएक्शन, सभी के सभी रिएक्शंस जिस पे मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा, बनाया मतलब कि ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगा इसका एक दिन बाद आ जाएगा, तो मे भी आप देख रहे होंगे तो आपको वो वीडियो पहले ही चैनल पे मिलेगा अगर आप लेट देख रहे हो तो, ठीक है। तो IUPAC नेम, कैटिनेशन पावर और रिएक्शंस, बस इस चैप्टर में से इतना ही करो, यही सभी के सभी तुमको मिलेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा डिटेल में समझ में आ गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है, वो तो आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा, ठीक है। पछताने से फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं पता एक जन ने भी अगर ये वीडियो देखा और इस पर उसने अमल किया और उसको अच्छे मार्क्स मिले तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ ईच एंड एवरी वन के पास में पहुँचने का, आप उसमें मेरी बस हेल्प कर सकते हो। वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो और या भैया को सपोर्ट करने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब भी अगर हो सके तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, फोड़ो मचाओ, एंड यस पढ़ाई में और साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है।